हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का जो ट्रिक्स होता है, मैं आपको ट्रिक्स के साथ एप्लीकेशन लिखने का स्टाइल बताता हूं। और आप चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, BA हो, MA हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट से हो, बट इस शैली के माध्यम से, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन बेधड़क लिख सकते हैं। दोस्तों आप बने रहें और मैं आपको बताता हूं। और आई राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 डेज लीव। ऐसे जब एप्लीकेशन दिया गया है, जो परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके लिए आता ही आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। कोमा दे सकते हैं, कोमा नहीं भी दे सकते हैं, ये आपका चलेगा। इसके बाद क्या करना है, कि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखेंगे, हेडमिस्ट्रेस रहेगा तो हेडमिस्ट्रेस लिखेंगे, और यदि हेडमास्टर रहेगा तो हेडमास्टर लिखेंगे। यानी जो आपका यहाँ पर दिया रहेगा उसको आपको इसके बाद लिखना है, तो टू लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू लिखना है। इसके बाद द प्रिंसिपल लिखना है, यानी इसके बाद जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल के स्टूडेंट हैं, उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जैसे कुछ भी लिख सकता है, जैसे टू द प्रिंसिपल SSVMPR, ये कोई एक स्कूल का नाम है, उसको मैंने लिखा, तो टू द प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रयाहर, ये मैंने क्या किया, एक स्कूल के जो नाम था उसको मैंने लिखा। आपका जो स्कूल होगा उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखा, टू, फिर द प्रिंसिपल या तो हेडमिस्ट्रेस या तो हेडमास्टर, जो रहेगा आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद स्कूल का नेम लिखना है तीसरा नंबर में। चौथा में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, फॉर लीव है, तो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव। इसके बाद लिखेंगे तो द क्लास टीचर, जो भी आपका क्लास टीचर हो उसके नाम में आपको ये लिखना है, क्योंकि हमको क्लास टीचर के माध्यम से ही प्रिंसिपल के पास जाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखे, सबसे पहले टू लिखे। आप यहाँ पर कोमा दे सकते हैं, अच्छी बात है, कोमा नहीं भी दे सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो टू द प्रिंसिपल SSVMPR मैंने लिखा, आपको जो मर्जी है वहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखा अन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव है, तो मैंने 5 डेज लीव लिखा। इसके बाद थ्रू द क्लास टीचर लिखा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको सर लिखना है, मैडम लिखना है, मिस लिखना है, जो आपको है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके नेक्स्ट लाइन लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम द मोस्ट रेगुलर पुअर एंड हाईली डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास आपका हो, 9th 10th 8th, जो भी हो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका इतना तो आपको सबसे पहले ये आपको यहाँ तक तो लिखना ही है। इसके बाद मैंने क्या क्या सर लिखा, इसके बाद ये आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम द मोस्ट रेगुलर पुअर एंड हाईली डिसिप्लिन
स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 9th, 8th, 6th, 7th, 12th जो भी हो आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यानी यहाँ तक लिखने के बाद आपको बीच में पैराग्राफ चेंज करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ से लिखना है, बीच से लिखना है, बट आई कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास फ्रॉम डैश टू ड्यू टू इन सम वर्क यानी दूसरा प्रोग्राम को क्या करना है, बट आई कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कोई भी डेट होगा आपका, वो डेट को आप क्या करेंगे यहाँ पर आप डाल देंगे, ड्यू टू इल यदि बीमारी है या तो संवर्ग या तो रेन या तो फिजिकली डिस्पोज कोई भी कारण होगा, अब कोई भी कारण होगा ड्यू टू के बाद क्या करेंगे इसको यहाँ पर आप एड कर देंगे। और अंत में आप क्या लिखेंगे, अंत प्रोग्राम में होगा आपका Therefore, I request you to consider me and grant my application for this great work I shall be grateful to you। और अंत में आपको लिखना है यहाँ पर yours obedient student, student इसके बाद name, class, रोल नंबर और डेट, यानी आप। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने दूसरा प्रोग्राम में क्या किया कि बट आई कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास फ्रॉम इतना से इतना, कोई भी डेट होगा आपको यहाँ पर क्या करेंगे आप लिख देंगे, ड्यू टू इल यदि बीमारी है तो बीमारी का कारण लिखो, कोई काम है तो उसका कारण लिखो, यदि बारिश हो रही है तो उसका कारण लिखो, या तो शारीरिक रूप से यदि हम अस्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसे बात के लिए फिजिकल इंडिस्पोज का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी सिस्टर मेरी जो, ब्रदर मेरी जो, अंकल मेरी जो, या तो कोई भी शादी विवाह बर्थडे हो किसी में आप इंगेज हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये कारण आप यहां पर ड्यू टू के बाद क्या करेंगे इसको ऐड कर देना है। और लास्ट में क्या करेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर मी एंड ग्रांट माय एप्लीकेशन फॉर दिस ग्रेट वर्क, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, योर ऑबीडियंट स्टूडेंट, नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये 8 नंबर यानी 7 नंबर के आप भागीदारी हो सकते हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने के लिए आता है। तो आपको यदि इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो वर्ड है कहाँ पर यूज होगा, ये वर्ड कहाँ पर यूज होगा, ये वर्ड कहाँ पर यूज होगा। जैसे योर्स हुआ, योर्स ओबीडियंट या तो ओबीडियंटली स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, उसका अर्थ है कि ये जब भी होगा तो अंत में होगा। जैसे टू लिखना है तो ये फर्स्ट में होगा। तो इस तरह से यदि हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो सेंटेंस को बहुत ईजी वे में हम उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपके एग्जाम में, और ये आपके एग्जाम के लिए ये 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपका जैसे जैसे क्लास हो उस तरह से ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा और क्या होगा ये जो लॉन्ग आंसर है उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप एक ट्रिक सिर्फ याद कर लेंगे तो क्लास 6 to 11, 12 तक के बच्चे आराम से इसे आप कोई भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। बस क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है और ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार के एप्लीकेशन को कई रूप में आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आप कभी भी देखे होंगे जहाँ पर अब ये 5 डेज लीव है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 डेज लीव है तो यदि 5 डेज अब्सेंट क्वेश्चन आ गया, ABSENT,
यदि दे लीप के जगह एब्सेंट आ गया तो आप वही क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, जहां पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कैन नॉट लिखा था, ठीक है ना, यानी ये जो आप सबसे पहले यहां पर करेंगे, जैसे आई कैन नॉट है ना, तो ये कैन नॉट के जगह आप क्या करेंगे, कुड नॉट, कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। कैन नॉट के बदले क्या करेंगे, आप कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, जहां पर मैंने फर्स्ट में सब्जेक्ट लिखा था अन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, वहां पर 5 डेज एब्सेंट कर देंगे, यानी 5 डेज लीव की जगह एब्सेंट लिख देंगे। और यहां पर जो कैन नॉट था तो कुड नॉट कर देंगे, और पूरा का पूरा उतार देंगे, आपका एब्सेंट का भी एप्लीकेशन बन गया, बस दो ही वर्ड चेंज करने से। दूसरी बात है, आपका यहाँ कोई भी रीजन होगा, शादी होगा, बर्थडे होगा, फिजिकली इंडिस्पोज्ड होगा, या तो हेडेक्स होगा, कोई भी कारण हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक वर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे और सेम टू सेम उतार देंगे, आपका एप्लीकेशन कोई काट नहीं सकता, और बहुत ही अच्छा मार्क्स करेंगे, अच्छा स्कोर होगा। ये मेरी कामना है कि आप ऐसे एप्लीकेशन को एक बार अवश्य देख लें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।